बंद कर दो बेटा। क्या हुआ अंकल जी, आपने हमें दरवाजा बंद करने को क्यों कहा? बैठो, हमारे पास बैठो। क्या हुआ अंकल जी, सब ठीक है ना? आपकी आंखें भी लाल हैं और आप सोए नहीं क्या रात भर? क्या करें बेटा, रात भर नींद नहीं आई, अजीब अजीब से ख्याल आते रहे तुम्हारे आंटी के बारे में, दीपा आलोक के बारे में और तुम्हारे बारे में भी। हमारे बारे में? हाँ अंकल जी, क्या हुआ? बेटा, हम रात भर ये सोच सोच के परेशान होते रहे कि हमारे और आंटी के चले जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। अंकल जी ऐसे मत बोलिए प्लीज। ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है बेटा, हम सब जानते हैं एक उम्र के बाद हर आदमी को जाना होता है। बस हम तो ये चाहते हैं कि जाने से पहले हम तुम्हें अपने पांव पर खड़ा हुआ देख लें। रोने की बात नहीं है बेटा, हम तुम्हें कोई कहीं जाने को थोड़ी कह रहे हैं, हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम अपने पांव पे खड़ी हो जाओ, बस एक फ्यूचर बनाने को कह रहे हैं, एक करियर होना चाहिए तुम्हारा, तुम्हारी अपनी कुछ कमाई होनी चाहिए ताकि कल को अच्छे बुरे वक्त में तुम्हें किसी का मुंह ना देखना पड़े, किसी का मोहताज ना होना पड़े। समझ रही हो क्या कह रहे हैं आप? काशी के साथ क्या काम करती हो तुम? हम उसकी ट्रैवल कंपनी मैनेज करते हैं और इन क्लाइंट्स की बुकिंग करते हैं। और उसमें क्या कमा लेती हो? ज्यादा नहीं, लेकिन तो ज्यादा कमाओ बेटा। हम जानते हैं काशी को फर्क नहीं पड़ता, काशी के हाथ में पैसा हुआ नहीं हुआ वो अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन तुम अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है, स्वावलंबी बनना है, तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। और भी बेटा सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो और पूरी लगन और मेहनत के साथ उन सपनों को पूरा करने में जुट जाओ। ट्रेवल कंपनी में भी काम करना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें भी मेहनत करो, खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो बेटा कि एक दिन वो कंपनी अपने बनारस के सबसे बड़ी सबसे अच्छी कंपनी वाले सब लोग उसकी बात करें, उसकी तारीफ करें, ताकि एक दिन हम भी गर्व से कह सकें कि ये है हमारी पूर्वी। क्या हुआ? मतलब जरा सी मेहनत करने को कह दिया तो रोने लग गई? नहीं, लेकिन एक बात है हमारे मन में, कर सकते हैं क्या? अरे रे, क्या कर रही बेटा, लड़कियां पाँव नहीं छूती।
रहने दीजिए अंकल जी, ये सब आपके हमें आशीर्वाद ना देने के बहाने, हम जानते हैं। प्लीज अंकल जी, तुम्हें देने के लिए हमारे पास आशीर्वाद के अलावा और है भी क्या बेटा? ऐसे मत कहिए अंकल जी, आपके पास कितना कुछ है देने के लिए। You're a great guide, अंकल जी। काशी सही कहता है, आप बहुत अच्छे टीचर हैं। थैंक यू। काशी समझ गया, तुम समझ गई। लेकिन काश दीपा और आलोक भी इस बात को समझ पाते। हाँ केवल, काम हो गया है। पापा मान गए हैं, तुम्हें बताओ कब मिलना है? अभी? ठीक है, हम पहुंचते हैं। हाँ दीपा, कलौंजी डाल। ये वाला? ये वाला कलौंजी नहीं पता, इतना सिखाया तुझे, डाल हिसाब से डाल। सौफ, सौफ डाल। पंडित जी, इतने चक्कर काटेंगे ना तो हमारा सिर घूम जाएगा, बैठिए ना शांति से। क्यों बैठ जाएं? हाँ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे रात भर सो नहीं पाए हैं, योग भी नहीं हो पाया, अब थोड़ा बहुत चल लेंगे, कुछ तो एक्सरसाइज होगी ना। इसीलिए तो घड़ी लाए थे आपके लिए पापा। हमारा मतलब, अगर आप घड़ी पहन के चलेंगे तो आप अपने कदम गिन पाएंगे, कितने और चलना आपको पता चल जाएगा। अम्मा क्या बात है, अचार बना रही हो? हाँ इसे पूछो क्यों आया है। हम आपका आशीर्वाद देने आया पापा। आशीर्वाद किस लिए? पापा हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं। आप ही ने कहा था ना, तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए, बस थोड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। नए जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो? अच्छी बात है, ठीक से देना इंटरव्यू, और वो केवल जैसे दलालों से बच के रहना। जाते जाते अम्मा का आशीर्वाद ले जी। अम्मा नहीं नहीं नहीं, शुभ काम के लिए जा रहा है बेटा, पहले भगवान जी को प्रणाम करके। काशी हमने सारी डिटेल्स फाइल में भर दी थी और अब हम डेटा भी डाल देंगे। अंकल जी कह रहे थे हमें और हार्ड वर्क करने की जरूरत है। आंटी जी कच्ची अंबिया, हम थोड़ी सी और ले लें प्लीज। क्या कर रही है पागल पागल? अरे मसाले अचार में आग जल जाएगा, जा दो के हाथ, हम इसको यहाँ रखते हैं। हम आते हैं। खुश रहो बेटा, खूब कामयाब। आज तो अंकल जी ने भी हमसे साफ साफ कह दिया काशी, पूर्वी तुम अपना फ्यूचर बनाओ, अब तो हमें और मेहनत करनी होगी।
अरे तो करेंगे ना पूरी। हम भी चाहते हैं कि हमारे पूरे शहर में ना बड़े बड़े बैनर्स लगे। गंगा मैया टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसी, तुम देखना एक दिन बहुत ही बड़ा नाम होगा हमारा। एग्जैक्टली। और तुम्हें पता है काशी, इसलिए हमने बिजनेस प्लान भी बना के रखा है। देखो हम दिखाई तुम्हें, देखो इसको, देखो पगले को। ए बद्री, कहाँ हो गया? कुछ बोल ही नहीं रहा। महाराज धीराज, बद्री महाराज जी, कुछ बोलोगे अपने भक्तों को, कुछ बताओगे? अरे हमसे क्या पूछ रहे हो काशी भैया, वहाँ देखो, वहाँ ऊपर पंखा ही तो है। अरे पंखा तो दिख रहा है आपको, वो चल नहीं रहा है, वो नहीं दिख रहा है। अरे खराब हो गया इतनी गर्मी में। खराब हो गया? अब खराब हो गया है तो इसके लिए क्या शौक सभा मनाएंगे? इलेक्ट्रिशियन को फोन करो। पहले बुला लिए काशी भैया, बिजी है वो, 2 घंटा लगेगा बोल रहा है। 2 घंटे? जी काशी भैया। तो सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, अब कैसे बैठेंगे बताओ, इतनी गर्मी में कैसे बैठेंगे? अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो काशी, इसका इंतजाम हम कर देते हैं। बद्री तुम्हारे पास टूल है? हाँ? तो बस तो टेंट, हम पक्का ठीक कर देते हैं। हाँ? हाँ? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? देवी माता, हम पहले भी पूछे थे और अब फिर से पूछ रहे हैं, कहाँ से प्रकट हुई मतलब इलेक्ट्रीशियन का काम भी आता है? नहीं नहीं, वो तो हमें बस एक दो तार हिलाना आता है और कुछ नहीं। वो क्या है ना, जब हम हॉस्टल में थे तो पंखे अक्सर खराब हो जाते थे, तो हम सब लड़कियां मिलके ठीक कर देते थे, सिंपल। अब बस ये सब छोड़ बद्री, हमें एक बात बताओ। हाँ। हमें ना वो चाहिए होगा, प्लास है तुम्हारे पास? जी जी जी। परफेक्ट। इलेक्ट्रिक वायर्स? जी। इंसुलेशन टेप? मिल जाएगा। परफेक्ट, ले आओ ना, पास की दुकान पे मिलते हैं, हम भग के जाते हैं, दौड़ के आते हैं। बद्री पहले इसको साइड पे कर दे जरा। जी काशी भैया, एक अब स्टूल लेकर आते हैं। ये रहा स्टूल। काशी हाथ दो। हाथ दो ना। काशी ये बाहर रखना। हाँ। इसको भी। क्या हुआ त्रिपाठी साहब, हंस क्यों रहे हैं यार? अरे भाई आलोक बाबू, हंसेंगे नहीं तो करेंगे क्या भाई, तुमने मजाक ही हमारे साथ इतना भद्दा किया। अरे भाई तुम्हारी इस फाइल में किसी ट्रेवल एजेंसी के पेपर हैं। क्या बात कर रहे हैं, दिखाइए। गंगा मैया टूर्स एंड ट्रेवल्स, काशी। काशी प्लास देना। प्लास? प्लास। आराम से। इंसुलेशन टेप भी। इंसुलेशन टेप, हाँ ये लो। जब जरा संभाल के, बिजली की तार है, सीधा दांतों से करंट दौड़ गया ना तो देवी माता से चंडी माता बन जाओगे और हम भी चिपक जाएंगे साथ में, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। अरे तुम टेंशन मत लो काशी, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बस इतना देख लो कि गलती से किसी ने फैन ऑन कर दिया ना तो हम तो गए। नहीं नहीं उसकी टेंशन मत लो, हम देख रहे हैं। तुम तो देख रहे हो काशी, लेकिन बद्री का क्या? हाँ हम सोच रहे ऑन द सेफ साइड ना, तुम मेंस ऑफ कराओ। मेंस? अरे फ्यूज हटा दो थोड़ी देर के लिए सारे। फ्यूज हटा दे ठीक है हम जाते, लेकिन तुम ध्यान से खड़ी हो ना, मतलब गिरोगी तो नहीं? नहीं जाओ ना, हम जा रहे हैं, ध्यान से हाँ, थोड़ा संभाल के।
ब्लास्ट देना फिर से। काशी काशी ब्लास्ट दो ना यार। और सुनो चाकू भी देना काटने के लिए। चाकू भी दो ना। चलो हो गया, अब ऑन करके देखे। काशी काशी कहाँ हो तुम? अरे यार काशी हमें नीचे उतारो ना, कब से खड़े हो ये? काशी 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 हमें चक्कर आ रहे, प्लीज जल्दी आओ। काशी काशी हमें ठीक नहीं लग रहा है। काशी हम काशी पूरी 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 क्या हुआ? काशी चक्कर चक्कर आ रहे। चक्कर? सर घूम रहा है यार, दिख नहीं रहा। तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर के पास चल रहे। अरे पूर्वी दीदी, काशी में कहोगे पूर्वी दीदी? अरे चक्कर खा के गिर गई, बगल में जो क्लिनिक है ना, लेडीज डॉक्टर बैठती है, वहां लेके जा रहे हैं। तू अम्मा और मास्टर जी को फोन कर दे तब तक। जी काशी भैया। जल्दी। हेलो अम्मा जी, हम बद्री बोल रहे हैं। ऐसे कैसे बेहोश हो गई अचानक? अच्छी मिली तो थी काशी। अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ होगा, वो पंखा खराब हो गया था और वो ठीक कर रही थी। हमें पता है क्या लगता है कि गर्मी के कारण चक्कर वक्कर आ गया होगा बस। नहीं काशी, इतनी गर्मी तो अभी शुरू भी नहीं हुई और डॉक्टर ने हमें बाहर भेज दिया, कोई और बात होगी। ऐसी कौन सी जाँच चल रही है अंदर भाई? पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? कि शायद उसने कुछ खाया नहीं है, भूखी है। नहीं नहीं नहीं, हमने अपने हाथों से नाश्ता दिया था भाई, वो जल्दी में थी, बिना खाए वो चली गई पगली। अरे अम्मिया खा के दांत खट्टे कर लिए थे उसने अम्मा, तो फिर और क्या खाती? अम्मा के अचार में ललचाई हुई थी। ओ, तभी मतलब सुबह से अचार और मसाले खाए जा रही है, तबीयत तो खराब होनी थी। कितनी बार तुम्हें समझाया है बच्चों को सात्विक खाना खिलाया करो, लेकिन नहीं, हमारी को सुने तब ना, अब भुगतो। काशी दुनिया एक तरफ और तेरे मास्टर जी एक तरफ। अरे अम्मा ठीक। क्या बच्चे भी आपकी तरह ये उबला भीका खाएंगे? हाँ तो खिलाओ, अचार खिलाओ, पापड़ खिलाओ। कर दिया मैं लड़की को बीमार? हमने नहीं किया लड़की को बीमार, आपने लड़की को अपने कमरे में बुलाया था, जाने क्या क्या बोले होंगे, बेचारी घबरा के गिर गई, जैसे कि हम जानते हैं ना आपके स्वभाव को। मतलब हमारी गलती है, घर में जो भी गलत होता है गलती हमारी होती है। अरे हद है। अरे आप लोग समझिए, क्लिनिक है और लोग भी बैठे हैं, सब सुन रहे हैं आपका लड़ाई झगड़ा। इधर भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। किसी को परवाह है इस बात की? कोई सुन रहा है नहीं? हम जानते हैं, हम जानते हैं। पूर्वी की ऐसी हालत देखकर आप लोग बहुत ही परेशान हो गए, इसलिए लड़ झगड़ रहे हैं। मास्टर जी आप टेंशन मत लीजिए, और अम्मा जवान लड़की है, चक्कर वक्कर आ गया होगा, ठीक हो जाएगी। अब हम आपके लिए अभी ठंडा लेकर आते हैं, ठीक है? क्या 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 कहना चाहते हैं? लड़ाई झगड़ा करने लग गए आप, हम जाएं कि नहीं ठंडा लेने? अब लड़ाई झगड़ा मत कीजिए प्लीज, अब जा रहे हैं। सब ठीक है डॉक्टर? ब्लड प्रेशर तो बहुत लो है तुम्हारा, सुबह से कुछ खाया नहीं था? खाया था, कितना लो है? काफी ज्यादा। पेट में कोई दर्द तो नहीं है? Let me see. यहाँ नहीं, दर्द नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा
टेंडरनेस। सब ठीक है ना? लास्ट पीरियड्स कब आए थे तुम्हें? एक महीने से थोड़ा ज्यादा हो गया शायद। इतना डिले क्यों हुआ? कुछ स्ट्रेस था लाइक एग्जाम्स से तुम्हारे? एग्जाम्स नहीं, बस थोड़ा स्ट्रेस था, बट डॉक्टर समथिंग सीरियस। तुम लेट जाओ, मुझे चेकअप तो कर लेना। रिलैक्स डॉक्टर, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, इट्स जस्ट अ नॉर्मल रूटीन चेकअप। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स।